आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, प्रचार की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। सीएम योगी की आज पूरे दिन के शेड्यूल की बात करें तो गोरखपुर में सरस्वती विद्या मंदिर आर्य नगर में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री महाराजगंज में 11:30 बजे जनसभा करेंगे। इसके अलावा GSBS डिग्री कॉलेज महाराज गंज में जनसभा करेंगे। इसके बाद सीएम कुशीनगर में 1:00 बजे जनसभा करेंगे। देवरिया में भी करीब 2:20 बजे में राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। बता दें कि सीएम योगी इसके बाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां काशी में करीब 4:15 बजे पर जनसभा करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी से वोट मांगेंगे। बता दें कि पार्टी के प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी वोट मांगेंगे। तमाम कार्यक्रम में आज सीएम योगी शामिल होंगे। गोरखपुर, कुशीनगर तमाम ऐसे जिले हैं जहां सीएम योगी प्रचार करेंगे। बता दें कि सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में भी सीएम योगी तमाम प्रचार करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, लगातार मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है। बता दें निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, पूरे तरीके से तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। बता दें कि 2024 का विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है। वहीं निकाय चुनाव 4 तारीख को होना है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और कुशीनगर से ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुशीनगर से ज्ञानेश्वर आपका मैं रुख करूंगी। ज्ञानेश्वर, सीएम योगी आज तमाम प्रचार करेंगे कुशीनगर में, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होगा? चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसी दौरान आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का आगमन 1:00 बजे पडरौना के उदित नगर है, जहां पे वे विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पूरे कुशीनगर जनपद में 10 नगर पंचायत है तो 3 नगर पालिका क्षेत्र हैं। जो सबसे पुरानी नगर पालिका अगर क्षेत्र की हम बात करें तो वह है पडरौना नगर पालिका क्षेत्र, जहां से विनय जायसवाल चुनावी मैदान में हैं। जिसके पहले वहां से बीजेपी ने परचम लहरा दिया है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें आज की, तो अब देखने वाली बात होगी, बड़े ही दिलचस्प की बात होगी कि 4 तारीख को किसके सर पर ताज होगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि प्रशासन वही पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है। तो वही पडरौना के ठीक सटे जो नगर पालिका है, कस्या नगर पालिका, यहाँ पर 15 वर्षों से जो बीजेपी का परचम नहीं लहरा पा रही है। वही अगर हम बात करें तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आज पडरौना पहुंच करके अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गए विकास कार्यों को लेकर जनता के समक्ष पेश करेंगे और जनता से कुशीनगर जनपद के 10 नगर पंचायत क्षेत्र तो 3 नगर पालिका क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को के लिए वोट मांगने की अपील भी करेंगे। जी ज्ञानेश्वर, अगर मैं कुशीनगर के निकाय चुनाव की बात करूं तो वहां अभी कैसे स्थिति देखने को मिल रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी, अगर हम पलड़े की बात करें, अगर हम प्रत्याशियों की जीत की बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी, पडरौना से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो पार्टी है, दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर होती दिखती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें हाटा की, तो हाटा में बीजेपी बनाम बसपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम बात सुकरौली नगर पंचायत क्षेत्र की बात करें तो वहीं बीजेपी और निर्दल में कड़ी टक्कर होती नजर आ रही है। अगर हम बात करें कस्या नगर पालिका की, तो वहां से बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर होती दिख रही है।
जी धन्यवाद ज्ञानेश्वर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं। रितेश, नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, लगातार सीएम योगी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज भी तमाम जिलों में उनके कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। उन्होंने नगर निकाय चुनाव का जो कमान है खुद अपने हाथ में ले लिया है। कल ही आपने देखा कि सीतापुर लखीमपुर में उन्होंने जनसभा की और मिश्रिख में भी उन्होंने जनसभा की, और जनसभा के दौरान उन्होंने ये कहा कि ये देवासुर संग्राम चल रहा है, यहाँ पर ये महर्षि दधीच की भूमि है, उन्होंने देवताओं को वज्र दिया था, यानी अपनी वज्र को, अपनी दधीच को, अपनी हड्डियों को दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जा करके देवों को विजय प्राप्त हुआ था। तो ये नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में कुछ ऐसी असुर शक्तियां हैं जो जनता के साथ मिल करके उसका खात्मा किया जाएगा। इस तरीके के भाषण पर मिश्रिख में जब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया तो वहां पर जो जनता थी उनको लुभाने का भी काम किया, जो प्रत्याशी थे उनके लिए काम किया। आज उसके बाद फिर गोरखपुर का उनका दौरा है, गोरखपुर के बाद कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, और सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो मोदी के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में काशी विश्वनाथ वाराणसी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां भी जाएंगे और चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। जो वहां के प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश का यह माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश का मुखिया बागडोर को अगर संभाल दिया है तो किस तरीके से अब चुनाव में जो विजय प्राप्त होनी है उस पर कहां तक वो काबिज हो पाते हैं, ये मेहनत का परिणाम जब मतगणना होगी उसके बाद ही जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए जी जान लगाती हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रही है और कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो पार्टियां भी लगातार अपने प्रचार के लिए दमखम दिखाने में जुटी हुई। तो रितेश, जैसा कि अभी आपने बताया कि तमाम जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम भी होंगे, तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? हमारे साथ देवरिया से रवि रावत जुड़ चुके हैं। रवि, सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज वो देवरिया भी पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे? बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 2:30 बजे देवरिया में दौरा है, जो निकाय चुनाव को लेकर अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे और बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। सीएम योगी महाराजगंज होते, कुशीनगर होते, देवरिया को आएंगे और बड़ी सौगात देंगे। सीएम योगी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। रवि, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है कार्यक्रम को लेकर, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? सीएम योगी 2:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रशासन चप्पे चप्पे पे मुस्तैद है, सुरक्षा के इंतजाम किए, बड़ी बड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, सीएम योगी खुद मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या लगता है इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो मुखिया होता है घर का, अगर उसकी दिशाएं सही होती हैं, अगर वो सही तरीके से चीजों को चलाता है तो कहीं ना कहीं उसको विजय की प्राप्ति होती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश को चला रहे हैं और जगह जगह जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, यानी उनका सुबह का अगर शेड्यूल देखा जाए तो वो 3 घंटा ही सो पाते होंगे। अगर बात की जाए तो उनके विश्राम की तो 3 घंटा ही सो पाते, उसके अलावा वो लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है, 2 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसको लेकर के वो पूरी तरीके से जितने जिले कवर कर पा रहे हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा देख करके लगता है, क्योंकि उनके जो एजेंडे हैं, सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चलाया गया, भूमाफियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, वो कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिमाग में इस चीज को स्ट्रोक कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिल्कुल बजा हुआ है, लखनऊ की अगर बात करें, नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगभग 110 वार्ड हैं, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सभा की और यहाँ पर भी लोगों ने ये देखा कि इस तरीके से नगर निगम का विकास किया जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, आज ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं हैं, पूर्वांचल में,
गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, उसके बाद वाराणसी में उनकी जनसभाएं होंगी। अब वो जनता को कितना लुभा पाते हैं, किस तरीके से लुभा पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आने वाले समय में किस तरीके से मतदान होगा, मतगणना होगी, ये देखने की देखने वाली बात होगी कि कौन पार्टी अपना दमखम दिखा पाती है। रवि, अगर मैं देवरिया की बात करूं तो वहां निकाय चुनाव की कैसे स्थिति है, किसमें किसमें टक्कर देखने को मिल रही है? यहां सदस्य की बात की जाए तो अलका सिंह भाजपा की प्रत्याशी है जो दो बार से लगातार चेयरमैन रह चुकी है, और स्पष्ट बात की जाए तो अशोक मदेसिया भी अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं, और बसपा से राजा राम चौहान है। आपको बता दें कि यहाँ से कांटे की लड़ाई चल रही है, जहाँ अलका सिंह भी अपना दमखम दिखा रही है और सपा से भी अशोक मदेसिया भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। निर्दल प्रत्याशी की बात की जाए जो अमित मोदरवाल है, जो भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वो भी निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। और देवरिया में 4 तारीख को मतदान होने को है और 13 तारीख को किसके सर पर ताज होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। जी धन्यवाद रवि तमाम जानकारियों के लिए। रितेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं अपने प्रत्याशियों के वोट के लिए सीएम योगी खुद मैदान में उतर चुके हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव का रण है और रण को देखते हुए सभी पार्टियां एकदम से चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सुल्तानपुर दौरे पर आज जाएंगे। सबसे पहले करीब 12 बजे लंभुआ में जनसभा करेंगे। इसके बाद मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम की सभा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि सभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आय वर्मा करेंगे। सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक आज हुंकार भरेंगे। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है। 4 मई को निकाय चुनाव का पहले चरण का चुनाव होगा, वहीं दूसरा चरण 11 मई को होगा और 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा। बता दें कि महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टी सभी दल चुनाव के रण को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्रचार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि इस बार फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पीछे नहीं रहना चाह रहा है। हर कोई पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सुल्तानपुर दौरे पर आज जाएंगे, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होगा? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का दौरा है। तमाम बड़े बड़े दिग्गज भी इसमें जो है भाजपा के जो है शामिल रहेंगे। इनका कार्यक्रम सुल्तानपुर में सबसे पहले सुल्तानपुर के विधानसभा लंबुआ क्षेत्र में रहेगा, जहाँ पर ये अपना लंबुआ विधानसभा में एक कार्यक्रम रखे हैं छोटा से, वहाँ पे जो है हेलीपैड द्वारा जो है कार्यक्रम उतर के अपने कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद लगभग 1:05 पर पुलिस लाइन इनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहाँ से बाई रोड होते हुए ये अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे, जहाँ पर एक तिकोनिया पार्क पे जो है छोटा सा कार्यक्रम को लेकर जनसभा संबोधित करेंगे। तमाम तरीके के इसमें जो भी प्रत्याशी इधर भी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसी को लेकर वहाँ पे एक मंत्र झोंका जाएगा। उसी के साथ साथ जो है कुछ भी
बड़ी बात है, वहां पे बोला जा सकता है आप किसी भी चुनाव लेकर आगे और बढ़ सकते हैं और चर्चा के विषय को लेकर क्या आगे बढ़ाया जा सकता है उसी को लेकर आज बात करेंगे वहां पे लोगों से। आशुतोष, जैसा अभी आपने बताया कि तमाम कार्यक्रम होंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? जी, सुरक्षा की अगर बात करते हैं, प्रशासन द्वारा पूरी हर जगह अलर्ट मोड पे है और जगह जगह पे जो है तैनात भी कर चुके हैं, कोई भी अफवाह बात नहीं की जाएगी। चुनाव भी जो भी कार्य चल रहे हैं उसको शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया भी जाएगा। ये पहला कार्यक्रम है जो मंत्री का आगमन हो रहा है जिला सुल्तानपुर में, इसी के मद्देनजर में देखते हुए तमाम और भी पार्टियां जो है इसमें कमर कस ली है, वो भी जोरदार जो शोर से जो है घर घर जाके अपना प्रचार भी कर रहे हैं। उसी का अगर नतीजा अगर देखा जाए, भाजपा प्रत्याशी भी एक अपने पूरी ताकत के साथ जो है मैदान में उतर चुके हैं कि जनता को जगा दिया है, जनता को भी जगाने के साथ साथ जो है अपना वोट की अपील कर रहे हैं। आशुतोष, निकाय चुनाव को देखते हुए अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूं तो कैसे स्थिति देखने को मिल रही है, किसमें टक्कर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप टक्कर की बात करेंगे, इसमें भाजपा और सपा की टक्कर है, लहर चल रही है, लेकिन फिलहाल जो विपक्ष के लोग हैं वो तानाशाही में उतर गए हैं, लोगों के घर जा जाके अपना जो है बात रख रहे हैं। भाजपा ऐसा काम करती, भाजपा वैसा काम करती, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ असर देखने मिला है, या हो सकता है असर नहीं भी देखने मिला है। लेकिन जो लीगल जनता के द्वारा जो बात कही जा रही है वो जो है सच्चाई पे जो है भाजपा को ही लोग समर्थन कर रहे हैं ज्यादातर, जो सुनने में आ रहा है। और परवीन अग्रवाल यहाँ के कई बार जो है नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, पुनः उनको दोबारा फिर चुना गया है और लोगों का विश्वास भी है, लोगों विश्वास के साथ उनको फिर वोट देंगे और उनको विजयी घोषित बनाएंगे। यहाँ तक उनका जो है एक लक्ष्य है, पूर्व बहुमत से ज्यादा बढ़कर उनका एक लक्ष्य रखा गया है, हम उसको लेकर अपील करेंगे। जी धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, निकाय चुनाव के रण को देखते हुए सभी पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, सभी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, सभी पार्टी दल मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज खुद मैदान में उतर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।